हाय, मैं हूँ दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड बंटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सेतु के बारे में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लोगों को जोड़ने से ज्यादा संतोषजनक कुछ नहीं है। पीएम मोदी ने लिखा कि बिल्कुल, लोगों को जोड़ने और जीवन को बेहतर बनाने से ज्यादा संतुष्टिदायक कुछ भी नहीं है। दरअसल रश्मिका मंदाना भारतीय सिनेमा की उभरती कलाकार हैं। फैंस उन्हें नेशनल क्रश का तमगा दे चुके हैं। इन्हीं रश्मिका मंदाना को हाल ही में ट्रोल का शिकार भी होना पड़ा, वो भी किसी अच्छे काम की तारीफ करने के लिए। रश्मिका मंदाना ने भारत में विकास की जमकर तारीफ की। मुंबई ट्रांस हार्बर पर सफर करते हुए एक वीडियो बनाया। अटल सेतु की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि 2 घंटे का सफर अब केवल 20 मिनट में पूरा हो जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं रश्मिका मंदाना की ये वीडियो। मुझे नहीं, बाहर देख, क्या दिख रहा है? If you still just seeing a sea bridge, then knock knock, open your eyes, bro. Mumbai Trans Harbour Link, Bharat's longest ever sea bridge, 22 kilometers long, 6 lanes. It cuts 2 hours journey to just 20 minutes. Unbelievable, na? कुछ साल पहले कोई सोच भी सकता था कि ये होगा? ये नॉक है उन बंद दरवाजों पर जो कहते थे इंडिया कांट ड्रीम बिग, बट वी बिल्ड दिस मैजेस्टिक मार्वल इन जस्ट 7 years। अटल सेतु ने ना फ्यूचर के डोर पे ऐसा जोर से नॉक किया है कि विकसित भारत के रास्ते ही खुल गया है। अटल सेतु इज नॉट जस्ट अ ब्रिज, ये गारंटी है हमारे यंग भारत की। आवर नेशन इज अनस्टॉपेबल नाउ। ऐसे हंड्रेड्स ऑफ अटल सेतु बनाने हैं। Wake up and vote for development. रश्मिका की ये वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया कि कैसे आप किसी के अच्छे काम की तारीफ कर सकती हैं? आपको किसी ने बताया नहीं क्या कि लोकतंत्र आजकल इंडिया में खतरे में है? यार, मुझे क्या लगता है ना कि सरकार आपके परिवार के सदस्य की तरह होती है। आप उसे अपना वोट देकर सपोर्ट करते हैं और अगर आपको उसके किए कामों में कमी लगती है तो आप निंदा करते हैं, पर अगर आपको उनके काम ठीक लगते हैं तो तारीफ करने में कंजूसी क्यों? और लाइफ में अगर किसी का बनाया खाना अच्छा लगा, किसी की बात अच्छी लगी, किसी का मुस्कुराना अच्छा लगा तो बिंदास तारीफ कीजिए ना, बिकॉज एवरीबडी नीड्स अप्रिसिएशन। हर किसी को हौसला अफजाई की जरूरत पड़ती है, तो दिल खोल के अच्छे कामों को सपोर्ट कीजिए और लाइफ में पॉजिटिविटी आगे बढ़ाइए। अब जब पॉजिटिविटी और तारीफ की बात कर ही रहे हैं तो आराध्या बच्चन की बात भी कर ही लेते हैं। हाल ही में मेट गाला हुआ जहां आलिया भट्ट ने अपने लुक्स का कहर ढाया और अब ऐश्वर्या भी कांस में कमाल दिखा रही हैं। हाल ही में ऐश्वर्या को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। बताया जा रहा है कि ऐश के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन ऐश्वर्या और आराध्या ने इसके बावजूद ग्लैमर को कम नहीं होने दिया। ऐश पहली बार रेड कार्पेट पर एक काले रंग के गाउन में दिखी जो लंबी ट्रेन से सजी थी। इवेंट में आराध्या ने दिल छूने वाला एक काम किया जिसका वीडियो सामने आया है। आराध्या अपनी माँ को सपोर्ट करती दिखाई दी। वैसे ऐश को देखकर इतना सुकून मिलता है ना कि सिर्फ हम लोग नहीं है जिनके बॉस बीमार होने पर भी ऑफिस बुला लेते हैं, ऐश भी हमारे जैसी है। ऐश हो या हम, इनके गम हमारे गम, एक जैसे सनम। लेकिन देखिए, रोने के चाहे जिंदगी जितने भी कारण दे, मेहनत वो चिराग है जिसे अगर घिसते रहेंगे ना तो एक न एक दिन सक्सेस का जिन्न जरूर निकलेगा। और यही सिखाती है राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत, जिसके बारे में खबरें चल रही हैं कि इस फिल्म ने अब तक की कुल कमाई 17 करोड़ रुपए कर ली है। फिल्म का बजट 40 करोड़ रुपए है, इसीलिए अगर ये इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही तो वीकेंड पर ये जोरदार कलेक्शन कर सकती है और अपने बजट से ज्यादा कमाकर बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर सकती है। आपको बता दें कि ये मूवी बिजनेसमैन श्रीकांत बोल्ला के जीवन से इंस्पायर्ड है।
श्रीकांत बोला जन्म से नेत्रहीन है और ये फिल्म उनके संघर्ष और जीत की कहानी को दर्शाती है। ये कहीं ना कहीं आपकी और मेरी कहानी है, इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये मूवी आप जरूर देखें और अपने बच्चों को भी जरूर दिखाएं। इसके अलावा रिलीज हो गई है करतम भुक्तम। शैतान की सक्सेस के बाद 17 मई को सिर्फ एक फिल्म रिलीज हो रही है, वो है करतम भुक्तम। ये श्रेयस तलपड़े की फिल्म है जिसका ट्रेलर काफी अच्छा है और कास्ट काफी टैलेंटेड, तो आप ये मूवी देखना तय कर सकते हैं। अब आखिरी खबर की तरफ चलते हैं जो है राखी सावंत की। फिलहाल राखी सावंत अस्पताल में है। राखी के एक्स हस्बैंड रितेश ने बताया कि वो कोई ड्रामा नहीं कर रही हैं, उनके गर्भाशय में ट्यूमर है, डॉक्टरों ने सर्जरी के लिए कहा है, जबकि उनके दूसरे पति आदिल खान दुर्रानी दावा कर रहे हैं कि वो ड्रामा करती हैं। इस बीच राखी सावंत ने खुद टीओआई को अपनी हेल्थ अपडेट दी। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, मैं जल्द ठीक हो जाऊंगी, मुझे हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है, मुझे 10 सेंटीमीटर का ट्यूमर है और शनिवार को सर्जरी होनी है, मैं अपनी हेल्थ को लेकर ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगी, लेकिन रितेश आपको जानकारी देते रहेंगे, सर्जरी हो जाने पर मैं ट्यूमर दिखाऊंगी, मुझे भर्ती होना पड़ा क्योंकि सर्जरी से पहले बीपी जैसे सभी चीजों को कंट्रोल में लाने की जरूरत थी। राखी आप बहुत बहुत बड़ी एंटरटेनर हैं और एक फाइटर भी हैं, तो हम दुआ करेंगे कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तो ये तो था आज का बॉलीवुड बनता, जल्द लेकर आऊंगी आपके लिए नया एपिसोड। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि कल हम लेकर आएंगे आपके लिए करियर कैनवस, जिस शो में हम आपको बताते हैं कि अलग अलग जॉब वैकेंसीज कहां कहां निकली हैं। तो कल शो देखने जरूर आइएगा। एंटरटेनमेंट का शो भी लेकर आऊंगी जल्द वापस, लेकिन तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें।